हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर वर्मा यूट्यूब स्टडी चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे अपने इम्पोर्टेंट स्टेडियम इन इंडिया, जो कि रेलवे की परीक्षा से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर परीक्षा में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक जो स्टेडियम है उसका नाम है मौलाना आज़ाद स्टेडियम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जम्मू एंड कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर को कौन से राज्य टच करते हैं, तो वो आ जाता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और ये आ जाता है पंजाब। तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अपने राजस्थान में। तो राजस्थान में आप देख सकते हो एक स्टेडियम है, वो है सवाई मानसिंह स्टेडियम, जो कि जयपुर में है। तो नेक्स्ट चलते हैं गुजरात। तो गुजरात में देख सकते हो आप सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। और साथ ही मध्य प्रदेश में देख सकते हो आप होलकर क्रिकेट स्टेडियम, जो कि इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अपने महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आ जाता है वानखेड़े स्टेडियम, जो कि मुंबई में है, और फेटोरडा स्टेडियम, जो कि मडगांव में है, और ब्रेबोर्न स्टेडियम, जो कि मुंबई में है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के हैं जो स्टेडियम, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से याद करना। नेक्स्ट देखते हैं गोवा में। तो गोवा में एक स्टेडियम है जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, ठीक है। तो ये एक गोवा में है। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटका में। तो कर्नाटका में आ जाता है चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि बेंगलुरु में है। तो ये आरपीएफ जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पे है। तो ये बेंगलुरु में है। और साथ में यहाँ पे देख लेते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आ जाता है चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई में है। तो ये भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टेडियम है। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना में। तो ये अपना तेलंगाना, तो यहाँ पे आ जाता है लाल बहादुर स्टेडियम, जो कि हैदराबाद में है, और बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम, जो भी हैदराबाद में। तो तेलंगाना में दो स्टेडियम हो गए, एक लाल बहादुर स्टेडियम और एक बाल योगी एथलेट स्टेडियम। नेक्स्ट देखते हैं अपने बाराबाती स्टेडियम। तो ये कहाँ पर है बाराबाती स्टेडियम, तो ये आ जाता है उड़ीसा में, और जो कि कटक जो इसकी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पड़ता है बाराबाती स्टेडियम। नेक्स्ट देखते हैं वेस्ट बंगाल में। तो ये वेस्ट बंगाल आप ही देख सकते हो, ये वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में आ जाता है साल्ट लेक स्टेडियम, जो कि कोलकाता में है, और ईडन गार्डन स्टेडियम, ये भी कोलकाता में। तो ईडन गार्डन स्टेडियम ये महत्वपूर्ण स्टेडियम है, क्योंकि इससे पिछली परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने सिक्किम में। तो सिक्किम में आ जाता है, ये रहा सिक्किम अपना, इस जगह आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाता है कंचनजंगा स्टेडियम, जो कि सिलीगुड़ी में है। तो कंचनजंगा जो चोटी है वो भी यहीं सिक्किम में है, तो आप उससे याद रख सकते हैं, जो कंचनजंगा स्टेडियम वो सिक्किम में है। नेक्स्ट देखते हैं अपने उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दो स्टेडियम आ जाते हैं, जो कि अटल बिहारी, ये रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, जो कि लखनऊ में है। पहले इसका नाम क्या होता था, एकाना स्टेडियम होता था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एकाना स्टेडियम, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन से ऐसा स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया है, तो वो है एकाना स्टेडियम। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने दिल्ली में। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे दिल्ली है, जो छोटा सा डॉट दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली में आ जाता है फिरोज साहब कोटला स्टेडियम, जो कि नई दिल्ली में है, और एक आ जाता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये भी नई दिल्ली में है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो स्टेडियम थे इंडिया में, उनकी लिस्ट, और इसको आप मैप में ड्रॉ कर लेना और याद कर लेना। और इसमें जो मैंने महत्वपूर्ण बताया था, एक तो जो एसआई एग्ज़ाम में पूछा गया था, एक ये था, और एक जो ईडन गार्डन स्टेडियम था उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, और
जैसे एक जो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका नाम चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया है एकाना स्टेडियम से। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम। तो होप है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे रेड बटन दिया उसको सब्सक्राइब प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।